Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. In this video, we will discuss about exercise. Choose the correct options. Answer in one word. Fill in the blanks. Short question answers and true false of page number 170 and 171. So let's start. Choose the correct option. Sahi option ko choose karna hai. Number one, which of these plants does not grow on plains? Inme se कौन से प्लांट्स मैदानों में नहीं ग्रो करते हैं? ए साल, बी पीपल, सी गुलमोहर, डी कैक्टस. साल, पीपल, गुलमोहर, ये तीनों जो प्लांट्स हैं वो मैदानों में पाए जाते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी ब्रांचेस फैली हुई होती है और इनमें बहुत सारे पत्ते भी होते हैं. पर जो कैक्टस प्लांट है वो मैदानों में नहीं पाया जाता, वो डेजर्ट प्लांट है और इसके तो लीव्स होते ही नहीं है, इसलिए डी कैक्टस को हम लोग टिक करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज टू. Which of the following plants grows in water? पानी में कौन से plants grow करते हैं? A. Cactus, B. Acacia, C. Lotus, D. Date palm. Cactus, Acacia and date palm trees desert plants हैं, पर C. Lotus जो है वो पानी में ही पाया जाता है, इसलिए हम लोग सी लोटस को टिक करेंगे. नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स फॉर द प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज. मींस जो कीचड़ वाली जमीन में प्लांट्स ग्रो करते हैं, इनमें से कौन सा टर्म वो लागू होता है? ए मैंग्रोव्स, बी एक्वेटिक, सी टेरेस्ट्रियल, डी कॉनिफर्स. मैंग्रोव्स जो के जो प्लांट्स होते हैं वो कीचड़ वाली जमीन में ही पैदा होते. बी एक्वेटिक मींस पानी में, सी टेरेस्ट्रियल मींस जमीन पे, डी कॉनिफर्स मींस हिल्स पे. इनमें से कोई भी स्वैम्पी एरिया में नहीं होते हैं, इसलिए ए मैंग्रोव्स पे हमने टिक किया. नंबर फोर, द टाइप ऑफ ट्रीज लाइक पाइन, सीडर एंड फर आर. पाइन, सीडर एंड फर किस टाइप के ट्रीज हैं वो हमें इसमें बताना है. ए मैंग्रोव्स, बी कॉनिफर्स, सी टेरेस्ट्रियल, डी एक्वेटिक. मैंग्रोव्स जो होते हैं वो कीचड़ वाली जमीन में होते हैं. कॉनिफर्स जो हिल्स पे होते हैं. टेरेस्ट्रियल मींस वो जमीन पे होते हैं. एक्वेटिक मींस जो पानी में होते हैं. पाइन, फर एंड सीडर ऐसे ट्रीज में जो फ्लावर्स होते हैं उसकी जगह पे कोन्स होते हैं, उसको कॉनिफर्स ट्रीज बोलते हैं, इसलिए हम लोग बी कॉनिफर्स को टिक करेंगे. नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव इट्स रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. इनमें से कौन से प्लांट्स की रूट्स जो होती है वो तालाब के नीचे तक फिक्स होती है वो हमें इसमें बताना है. ए फ्लोटिंग टाइप, बी फिक्स्ड टाइप, सी अंडर वाटर, डी डेजर्ट प्लांट्स. ए फ्लोटिंग टाइप मींस जो तालाब के ऊपर सिर्फ तैरता है.
बी फिक्स टाइप, मतलब इनकी रूट्स जमीन के नीचे तक फिक्स होती है और ऊपर तालाब के हमें उसका फ्लावर्स और वो प्लांट दिखाई भी देता है। सी अंडर वाटर मीन्स जो तालाब के अंदर ही होता है। डी डेजर्ट प्लांट्स मीन्स जो डेजर्ट में होता है। फिक्स टाइप ऑफ प्लांट्स, उनकी जो रूट्स होती है तालाब के नीचे तक फिक्स होती है, इसलिए हम लोग बी फिक्स टाइप को टिक करेंगे। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। वन वर्ड में आंसर। नंबर वन, प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। नमी और गर्मी वाली एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनका नेम लिखना है। ऐसी एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें जो पत्ते होते हैं पूरा साल उसमें पत्ते भरे पड़े रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? एवरग्रीन ट्रीज। सो राइट आंसर, एवरग्रीन ट्रीज। नंबर टू, ट्रीज दैट बियर कोन्स। ऐसे ट्रीज जिनमें कोन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉनिफर्स। इसलिए यहाँ पे आंसर लिखेंगे कॉनिफर्स। नंबर थ्री, कैटेगरी ऑफ सीरियल ग्रेन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जो अनाज प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो लिखना है। वो ग्रास फैमिली प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। सो राइट आंसर, ग्रास फैमिली प्लांट्स। नंबर फोर, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, मतलब जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट्स। सो राइट आंसर, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। नंबर फाइव, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। सो आंसर इज एक्वेटिक प्लांट्स। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन प्लेन्स हैव मैनी डैश। जो प्लांट्स मैदानों में ग्रो करते हैं उनको क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस होती है, क्योंकि उनको स्पेस बहुत होने के कारण वो अच्छी तरह से उनकी प्लांट्स की ब्रांचेस फैली फैली सी होती है। सो राइट, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन प्लेन्स हैव मैनी डैश ब्रांचेस। नंबर टू, द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस्ड इनटू डैश। डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स रिड्यूस होके कांटों में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलने के कारण वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते हैं और कांटों में चेंज हो जाते हैं। कांटों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइन्स। सो राइट, द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस इनटू स्पाइन्स। नंबर थ्री, द लीव्स ऑफ डैश प्लांट्स आर लॉन्ग एंड नैरो लाइक रिबन। कौन से प्लांट के जो लीव्स होते हैं बहुत लंबे और नैरो रिबन की तरह हिलते हैं, लगते भी दिखने में रिबन की तरह हैं? यस, हमने लेसन में एक्सप्लेन किया था, पानी के जो अंदर प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स रिबन की तरह दिखते हैं। द लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स आर लॉन्ग एंड नैरो लाइक रिबन। नंबर फोर, द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड डैश। दलदल वाली जमीन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी रूट्स को क्या बोलते हैं? दलदल वाली एरिया में चिकनी होने के कारण वहां पे जो रूट्स ग्रो करते हैं उनकी रूट्स सांस नहीं ले पाती। सांस लेने के लिए वो जमीन से बाहर ऊपर आकर ग्रो करती हैं, उनको ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं। सो राइट हियर, ब्रीदिंग रूट्स। नंबर फाइव,
The leaves of the dash are just like boxes with hinges. कौन से प्लांट्स की लीव्स बॉक्स की कुंडी की तरह होती है? बच्चों, हमने लेसन में एक्सप्लेन किया था कि वीनस फ्लाईट्रैप की जो पत्तियां होती है वो ऐसी होती है जैसे बॉक्स को बंद करने के लिए कुंडी लगाई जाती है. सो राइट हियर वीनस फ्लाईट्रैप. नाउ शॉर्ट आंसर्स. Number 1. What do you understand by terrestrial plants? जमीन के ऊपर जो plants grow करते हैं उनके बारे में आप क्या समझते हो? Answer. The plants that grow on lands or that grow in or near the surface of the ground are called terrestrial plants. Means जो plants जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर या जमीन की सतह के पास ग्रो करते हैं उसको जमीन पर उगने वाले प्लांट्स बोलते हैं. नंबर 2. गिव एग्जांपल्स ऑफ एट लीस्ट 3 प्लांट्स ग्रोइंग ऑन प्लेन्स. मैदानों पे ग्रो करने वाले कम से कम 3 प्लांट्स के एग्जांपल्स देने हैं. आंसर पीपल साल एंड गुलमोहर ट्रीज. पीपल साल और गुलमोहर ट्रीज ये मैदानों पे पाए जाते हैं. नंबर 3. हाउ कैन फ्लोटिंग टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट. मींस पानी पे तैरने वाले प्लांट्स कैसे तैरते हैं? They are able to float on water because the leaf stalks are swollen and filled with air. वो पानी में तैरने के लायक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पत्तों की डंठल means जो stem होती है वो फूली हुई और हवा से भरी हुई होती है, इसलिए वो पानी में तैर सकते हैं. Number 4. What is the special feature of plants growing in hot and damp areas? नम और गर्म एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके कौन से स्पेशल गुण होते हैं? आंसर द प्लांट्स हैव मैनी ट्रीज विच आर देयर थ्रू आउट द ईयर. दिस इज द रीजन They are also known as evergreen trees. Plants में बहुत सारे पत्ते पूरा साल पाए जाते हैं, इसी कारण की वजह से उनको evergreen trees के नाम से भी पहचाना जाता है. Number 5. State the special feature of pitcher plant. Pitcher plant के special गुण बताने हैं. Answer. The leaves of the pitcher plants are just like pitchers with a lid, which covers the mouth of the pitcher after catching the insect. Pitcher plant के पत्ते घड़े या जग के ढक्कन की तरह होते हैं. कीड़े को पकड़ने के बाद pitcher plant अपना माउथ लीव से ढककर बंद कर देता है. पेज नंबर 170. टेस्ट योर नॉलेज. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. सही के लिए टी लिखेंगे और गलत के लिए एफ लिखेंगे. नंबर 1. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन हिल्स आर टॉल एंड स्ट्रेट. पहाड़ों पे ग्रो किए हुए प्लांट्स सीधे और लंबे होते हैं. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टी. नंबर 2. प्लांट्स विथ मैनी ब्रांचेस ग्रो इन डेजर्ट. डेजर्ट में ग्रो किए हुए प्लांट्स में ब्रांचेस बहुत होती है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो यहाँ पे लिखेंगे एफ. नंबर 3. प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स. मार्शी एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको मैंग्रोव्स बोलते हैं. यस,
This statement is right. So write T. Number 4. The leaves of desert plants are reduced to needles. Desert plant में जो leaves होते हैं वो needles में reduce हो जाते हैं? नहीं, वो कांटों में सुकड़ जाते हैं. This statement is wrong. So write F. Number 5. Plants that grow in plains do not shed their leaves. Plants जो मैदानों में होते हैं वो अपने पत्तों को नहीं निकालते. This statement is false. वो अपने पत्तों को पतझड़ की सीजन में निकाल देते हैं. So this statement is false. Write F. Page number 171. Test your knowledge. Write T for true and F for false. सही के लिए T and गलत के लिए F लिखेंगे. Number 1. Aquatic plants have special features which help them grow in water. पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स के फीचर्स स्पेशल ही होते हैं. उनके लीव्स वैक्सी कोटिंग के, उनकी स्टेम हॉलो, थिन और लॉन्ग होती है जो प्लांट्स की ग्रोथ करने में हेल्प करती है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो वी हैव टू राइट टी फॉर ट्रू. Number 2. The stems of the floating type of aquatic plants are heavy and thick. No, floating type of aquatic plants ki stems moti aur bhari nahi, balki light aur spongy hoti hai. This statement is false. So, we have to write here F for false. Number 3. Water hyacinth, pistia and duckweed are fixed type aquatic plants. No, water hyacinth, pistia or duckweed ye paani mein floating type aquatic plants ke examples hain. This statement is false. So here we have to write F for false. Number 4. The stomata are absent in the leaves of underwater plants. Yes, stomata means chote chote holes. Wo underwater plants ke leaves mein maujood nahi hote. This statement is true. So, here we have to write T for true. Number 5. The leaves of underwater plants are like long and narrow ribbon. Underwater plants means जो पानी के अंदर, means बाहर दिखाई नहीं देते. ऐसे plants के leaves लंबी और narrow रिबन की तरह होती है जो उनको पानी की लहरों के साथ एडजस्ट होने में हेल्प करती है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो हियर वी हैव टू राइट टी फॉर ट्रू.